ये बता मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवों की अम्मा का खसम है, वो भीमराम था वो इनकी दादी का खसम था, अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कांड करवाते हैं। सरस्वती यादव नाम की इस जाहिल इंस्टाग्राम यूजर ने परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर और जाटव समाज पर की अभद्र टिप्पणी, जाति विशेष की महिलाओं व महापुरुषों के बारे में कहे गए बेहद आपत्तिजनक व अमर्यादित शब्दों से दलित समाज में गहरा आक्रोश। इस यूजर के खिलाफ उठी पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग। यह सरस्वती यादव खुद को राम भक्त बताने वाली यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस सरस्वती यादव की गिरफ्तारी की मांग बढ़ने से फिरोजाबाद पुलिस में भी हड़कंप मचा है। फिरोजाबाद पुलिस सक्रिय हुई है और अपने ट्विटर अब एक्स पर लिखा कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई हेतु साइबर थाने को निर्देशित किया गया है। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता दीदी निर्देश ने अपनी एक वीडियो वायरल करते हुए अपना पक्ष रखा है। जैसे कि आपने कंटेंट में पढ़ा, दो महिलाएं बैठकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और एक बड़े तबके को, जो इस देश का एक ऐसा वर्ग है जिसकी ताकत से सरकारें तक डरती हैं, जिसकी एकता से, जिसके आंदोलन से यहाँ पर सड़कों तक को बंद कर दिया जाता है, वो वर्ग जो अंबेडकर के नाम से अपनी अलग पहचान बना रहा है, वो वर्ग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी जमीन बनाकर इस देश में गरीबी से, बदहाली से और हजारों वर्ष के शोषण से उठकर हिम्मत दिखा रहा है, उस वर्ग से नफरत करने का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोगों को उस वर्ग की जो सफलता है, जो शिक्षा है, जो जागरूकता है, वो कतई नहीं रास आ रही है। ऐसे ही दो मानसिक रूप से बीमार महिलाएं जो इंस्टाग्राम पर एक आईडी के नाम से जानी जाती हैं, सरस्वती यादव के नाम से ये महिला है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इसके घटिया बयान अगर आप सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी और इसके घर वालों को भी शर्म आएगी। पहले इसकी वीडियो सुनते हैं, उसके बाद में फिर इसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। तो ये बता मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवों की अम्मा का खसम है, वो भीमराम था वो इनकी दादी का खसम था, अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कांड करवाते हैं। तो सुन लिया, ये थी इनकी भाषा और ये थे इनके विचार। ये कह रही हैं कि अंबेडकर इनकी दादी का खसम और चंद्रशेखर इनकी, अब इनकी माओ का खसम है। यानी इस वाहियात चर्चा में आपको लग रहा है कि ये महिलाएं किसी भी स्तर से थोड़ी सी भी समझदार हैं? एक इतने बड़े वर्ग को एक साथ गाली दे रही है और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से बाहियात और भद्दे तरीके से जो ये कमेंट पास कर रही है। इन दोनों बहनों को मैं ये कहना चाहती हूं कि एक बार जाकर के हिंदू कोड बिल पढ़ लो। अगर तुम जो बकवास कर रही हो, हाथ में मोबाइल लेकर घूम रही हो और इंस्टा पर आईडी चला रही हो, जो तुम्हारी आवाज निकल रही है, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। और ऐसी वाहियात बात करने से पहले थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। यही ओबीसी की महिलाएं जब महिला रिजर्वेशन बिल आया तो इनके मुंह नहीं खुले, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है, ये तो अपनी जो गंवार बना है वो कहां निकालती हैं, ऐसी समाज पर उसमें एक पर्टिकुलर जाति ढूंढकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती हैं, तब क्यों नहीं खोला इनका मुंह, जब ओबीसी को एक रत्ती भर भी, टुकड़ा भर भी तुम्हें जो रिजर्वेशन में तुम्हारी जगह नहीं रखी, तुम ही ओबीसी महिलाओं के लिए कहीं उन्होंने जगह नहीं दी, एक सीट भी नहीं दी, तब नहीं खुली इसकी मुंह।
तब नहीं बोली ये कुछ भी, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं है देश में चल क्या रहा। बस इन्हें तो भैया सिखा दिया गया, दिमाग में डाल दिया कचरा कि भाई एक जाति से नफरत करो और तुम जो है बहुत ऊंचे हो जाओगे। अरे इतनी, अगर इतना ही ज्यादा तुम्हें शौक है बोलने का तो अपने अधिकारों के लिए बोलो ना। अगर इतना ही शौक है तो तुम जैसी महिलाओं के लिए इस देश के अंदर समझदारी के कोई भी सेंटर क्यों नहीं खुलते? काश तुम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया होता समय रहते, तो इस ओबीसी समाज का इतना बेड़ा गर्क नहीं होता। खासकर इस ओबीसी समाज की इस तरह की महिलाओं ने पूरे जागरूक लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है, पर उनका सम्मान कम नहीं होगा हमारी नजर में। एससी ओबीसी की ताकत यूं ही नहीं टूटने वाली है। लेकिन एक बात मैं ये कह देना चाहती हूं, इस तरह की महिलाओं को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। दवाई हर किसी को दी जाएगी जो बीमारी दिखाएगा, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, क्योंकि भाई बीमार हुए तो दवाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी। भाईचारा वहां तक चलेगा जहां तक सम्मान और इज्जत और आत्मसम्मान पर चोट नहीं पहुंचाओगे। उसके आगे इस तरह के नलायक और गंदे सोच के लोग अगर सामने आएंगे तो सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है समाज। किस समाज के मुंह लगने चलिए तो किस समाज को नीचे दिखाने के लिए चलिए? जिस समाज से इस देश की सरकारें भी 2 अप्रैल का आंदोलन तो भूल गई, इसी समाज ने पूरे देश की सड़कें, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए थे, यहां तक कि कोर्ट को भी अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। तुम्हें अपनी मर्यादा, तुम्हें अपने संस्कार यहां दिखाने चाहिए कि समाज में एकता कैसे हो। तुम अपनी जाति पर घमंड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपनी जाति पर घमंड करते करते तुम दूसरों को नीचा दिखाओगे, गालियां दोगे, और उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गाली दोगे जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की उन महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी जिन महिलाओं ने उस समय हिंदू कोड बिल की प्रतियां जलाई। तुम्हारी जैसी वो महिलाएं रही होंगी उस समय भी, जिनका खुद का कोई बुद्धि विवेक नहीं होगा, क्योंकि अपने हिसाब से तो तुम सोच ही नहीं सकती। गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ चीज ना सीखी है ना पढ़ी है, जो तुम्हें बता दी गई है वो तुमने समझ ली कि हाँ यही सच है। अंधभक्तों का यही होता है, ना तुमने ये पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर जब वोट का राइट्स चल रहा था तो उस समय पे कितनी देश की महिलाओं को भी, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत को उस समय वोट डालने का अधिकार महिलाओं के लिए बाबा साहब ने रखा। तुम जैसी महिलाएं जो आज बोल रही हैं, सम्मान से जी रही हैं, जीन्स पहन रही हैं, गोलगप्पे खा रही हैं, सड़कों पर आजाद घूम रही हैं, पतियों का हाथ पकड़कर घूम रही हैं, बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर घूम रही हैं, ये सब यूं ही नहीं मिला है। दादी परदादी का जीवन देखना जरा, किस तरह से जीती हैं वो, देखना वो किस तरह से बंद रहती हैं घूंघटों में रह रहकर, उनके दम निकल गए, चौकटों से बाहर नहीं गई अपने दरवाजे की। पूछना जरा उनसे कितनी एजुकेशन है उनकी, अपनी दादी की, परदादी की, नानी की, जीरो होगी, ठेंगा, अंगूठा छापती। अगर आज तुम्हें शिक्षा और बोलने का अधिकार मिला है तो उस अंगूठा छाप स्थिति से अगर यहां तक आई हो तो इसके पीछे सबसे ज्यादा ताकत और त्याग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है। तुम जिस हिंदू हिंदू का ढोंग बजा के घूम रही हो ना तुम जैसी महिलाओं, उसी यही हिंदू धर्म कहता है कि औरत को मरने के बाद में सती प्रथा हो जाना चाहिए, जिसको कानून नहीं मानता। अगर आज तुम्हें कोई जलाता है, तुम्हें कोई पति के ऊपर रखता है, चिता के ऊपर रखता है, तो कानून लगेगा, उसको आईपीसी की धाराओं में सजा दी जाएगी। आज तुम इस देश के अंदर अपने पति से तलाक लेने की जो हिम्मत रखती हो, आंखें निकाल देती हो, दूसरी किसी महिला की तरफ देखता है, तो यह दम तुम्हें तुम्हारी दादी नानी या तुम्हारे धर्म ने नहीं दिया है। यह दम, यह हिम्मत, यह ताकत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान, उस कानून ने दी है कि अगर वो तुम्हारे रहते दूसरी पत्नी की ओर देखे, दूसरी महिला की ओर देखेगा, दूसरी महिला से संबंध रखेगा, तो इसके लिए तुम कोर्ट जा सकती हो। इसलिए वो डरता है, ना कि तुम्हारी वजह से डरता है कि तुम में बहुत बड़ी ताकत है, उस कानून से डरता है जिस कानून के तहत वो जेल जा सकता है। अगर तुम्हें आज कोई सती नहीं करता, तुम्हें आज बाल विवाह नहीं करता, तुम्हें आज देवदासी मंदिर में नहीं बनाया जाता, तो इसके पीछे तुम्हारे बाप दादा या तुम्हारा कोई त्याग नहीं है, या तुम्हारे धर्म का या देवी देवताओं का त्याग नहीं है, ना उनकी कोई कुर्बानियां, ना उनका कोई मेहनत है। इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का लिखित संविधान है, जिस संविधान के तहत इस देश के अंदर आईपीसी लागू है, कानून बना हुआ है। अगर कोई नाबालिग बच्ची की शादी करेगा तो उसको सजा होगी। तो ये जो तुम्हें आज बोलने का अधिकार मिला है, इसको सही दिशा में लगाओ, बेकार में अब जेल जाना पड़ेगा, तुम फंस गई उल्टा सीधा कहकर। और जिनके कहने पे तुमने ये दिमाग चलाया होगा वो तो तुम्हें बचाने, क्योंकि कभी भी
अपनी बुद्धि विवेक चलाए बिना दूसरों के कहने से आने के लिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तुम चाहे जितनी भी समझदार हो या जितनी भी पढ़ी लिखी हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है। हालांकि तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारी बातें देखकर लग रहा है कि तुम एक जाहिल टाइप की लड़की हो। तुम्हारे पास किसी तरह का कोई ना तर्क है, ना कोई समझ है, ना कोई पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे पास कोई किताबें हैं। पर बहनों, अब तुम पर यह एक्ट लग जाएगा, जेल जाओगी, थाने जाओगी, मुकदमा झेलोगी, तो कम से कम तुम्हें कुछ अकल तो आएगी। अब हाथ पैर जोड़कर माफी मत मांगना, क्योंकि तुम्हारे जैसी एक और आई थी कुछ दिन पहले, वो भी बड़ी गाली दे रही थी, एक साल पहले आई थी। उसको भी जब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गाली दे रही थी, उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत, कानून के तहत जब FIR हो गई, तो वो हाथ जोड़ रही, माफ कर दो, मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक और थी, वो कह रही थी पेरियार के लिए कि ये किताब जो लिखी है ये पोटी खा के लिखी, और बार बार कह रही कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। उसके बाद जब उसकी वीडियो पर हम जैसे लोगों ने जब मुकदमा करा दिया, FIR करा दी, तो वो भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही कि भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ और मुझसे गलती हो गई, मैंने भावनाओं में आकर ये कह दिया, मेरी मेरी किसी को भावना आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब तुम भी ऐसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती चली आओगी? ये तो सिलसिला चल रहा, बेइज्जती करो, माफ़ी मांग लो, ये तो वही बात होगी, पहले नस काट दो फिर रुमाल से साफ कर दो। मतलब तुम ये सब काम चलाते रहो और ये माफ़ करते रहे, बस माफियों का सिलसिला इतना ही ठीक है जितने में भाईचारा निभ जाए। लेकिन अगर तुम हमारे मान सम्मान आत्मसम्मान को कुचलने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश करोगे तो माफियां नहीं दी जाएंगी। ये समाज अब वो नहीं रहा है कि तुम्हारी गालियां सुन लेगा तो सर झुका लेगा, तुम्हारा अपमान सह लेगा तो किनारे से निकल के चला जाएगा, या तुम्हारे दरवाजे से जाएगा तो सर झुका के जाएगा, या तुम्हारी गुलामी करेगा और फिर मजदूरी भी नहीं मांगेगा, तुम्हारी बेगारी करेगा। ये जो घटिया सोच है, जो गलत सोच है, ये मनुवादी जो मानसिकता है, इसको निकाल दो, ये आज़ाद भारत में काम नहीं आएगी। ये आज़ाद भारत में तुम्हारी वो मुसीबत बढ़ा देगी, ये तुम्हें जेल का रास्ता दिखा देगी, करियर खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से फिर कानूनी कार्रवाई करानी पड़ती है, लोगों को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी बेकार की प्रतिक्रियाओं से, ऐसी बेकार के बयानों से, ऐसी बेइज्जती करने से बचना चाहेंगे। जो ये लड़कियां हैं, इनको इस बेइज्जती करने से अभी इनको लग नहीं रहा है कि हमने क्या कहा है, तुमने बोल तो दिया लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि इसकी सजा तुम्हें कितनी बड़ी मिलेगी अब, क्योंकि तुम जैसों के बहुत सारे ऐसे परिणाम हुए हैं जिन्होंने बाद में माफियां मांगी हैं और तुम माफी मांगकर खिसक लेते हो। लेकिन ये माफियों का दौर अब आगे नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने तो पूरा एक तरह से एक सेटअप बना लिया कि पहले बेइज्जती कर दो, पहले चेक करो ये बेइज्जती पर कोई रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते। और मैं इस देश के उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नहीं जानते हैं, वो पढ़ें। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया, इस देश का, इस राष्ट्र का अगर कोई सच्चा सपूत है तो बाबा साहब अंबेडकर हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, हर तरह के लोगों को अधिकार दिए। अगर फंडामेंटल राइट्स दिए तो केवल दलितों को नहीं दिए, सबसे पहले इस देश के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए भी आगे की सोच करके और उनके लिए स्पेशल अधिकार दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मण को, ठाकुर को, बनिए को, शूद्र को, अछूत को, इस देश की नारियों को, इस देश के यहां तक, इस देश के पशुओं तक को राज्य पशुओं की सुरक्षा के लिए कानून और मजबूत बना सकता है। यानी इस देश में आप ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता हैं, ये कह करके प्रचार किया गया, इसलिए इन महिलाओं में या अन्य जाति के लोगों में नफरत है बाबा साहब के लिए। ये इसलिए है क्योंकि उनको एक तरह से ये दिखाया गया कि इन्होंने केवल एक वर्ग की लड़ाई लड़ी, पर ये झूठ है, ताकि बाबा साहब से नफरत हो जाए, इसलिए ऐसा झूठा प्रचार किया गया। और बहुत सारे भोले लोग जिनको नहीं पता है, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी किताबें हैं, ना साहित्य, ना संविधान है, ना उन्हें कानून की जानकारी दी गई आज तक, ना किसी टीवी पे बताया गया कानून क्या चीज़ है, ना किसी अखबार में बताया जाता, ना किसी सीरियल में दिखाया जाता, ना किसी फिल्म में दिखाया जाता कि संविधान है क्या चीज़, इसलिए देश की जनता को पता नहीं है। इसलिए ये जनता एक तरह से आप इसको मूर्ख भी कह सकते हैं, इनोसेंट भी कह सकते हैं, तो ये उसी सिनेरियो में बह जाती है जो ऊपर से एजेंडा सेट किया जाता है नफरत फैलाने का। तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ ये नफरत फैलाई गई सोची समझी साजिश के डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता थे, नहीं, वेरी रॉन्ग, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र के नेता थे। अगर आप बाकी लोगों को अभी तक जितने भी नेता रहे हैं, गांधी, नेहरू या मोदी जी या कोई और भी नेता, RSS के नेता, ये सारे ब्राह्मणों के नेता रहे हैं, ऊंचे वर्ग के नेता रहे हैं, बाकी देश की जो करोड़ों जनता उनके नेता नहीं रहे हैं,
पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के हर व्यक्ति के नेता रहे हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया है कानून में, संविधान में, तो क्या ये बताइए वोट का अधिकार एक जाति के लिए है या दलितों के लिए है? अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में शिक्षा का अधिकार दिया है तो क्या वो शिक्षा का अधिकार मात्र दलितों के लिए मिल रहा है? नहीं, इस देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म की स्वतंत्रता दी है तो क्या इसमें केवल दलितों के लिए धर्म की स्वतंत्रता है? हर व्यक्ति के लिए धर्म की स्वतंत्रता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की 130-140 करोड़ आबादी को व्यक्तिगत रूप से इतने अधिकार दिए हैं कि इस देश में हम अच्छे से जी सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। अगर हम पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, पूरी दुनिया में जा सकते हैं, तो ये भी संविधान ने सबको अधिकार दिया, केवल एक जाति को नहीं दिया है। अगर अपराध करने पर इस देश के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई ऊंची जाति का रेप कर दे तो उस पर धारा दूसरी लगती है और कोई छोटी जाति का कर दे तो उस पर धारा दूसरी लगती है, वही सेम धाराएं लगती हैं। बस उन्होंने ये कर दिया कि जो सबसे नीचे तबका था, जो इस तरह से जो सबको नीचे, सबके नीचे वो दलित वर्ग को दबा रखा था, उन्होंने कर दिया इस तरह से बराबर कर दिया कि भाई ऐसे रहेंगे अब सारे के सारे, ये नीचे नहीं रहेगा, तुम्हारे नीचे दबके नहीं रहेगा, बराबर में रहेगा। यही नफरत है, बस इसी नफरत का शिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए। जब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महाज्ञानी लोगों को इस देश का नहीं, एशिया का जो सबसे बड़ा, मतलब अमेरिका तक जिस व्यक्ति के ज्ञान का डंका बजता है, उस व्यक्ति के ज्ञान को, उस व्यक्ति पर कीचड़ उछालते हैं ऐसे आठवीं फेल, ऐसे अनपढ़ गंवार जो कभी स्कूल नहीं गए, ऐसी औरतें जिन्होंने कभी डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी अंबेडकर के त्याग को जाना नहीं, यही तो रोना है, यही तो अफसोस है कि इन्हें सिखाया भी क्या जाए और कहां तक सिखाया जाए और कितना सिखाया जाए। जब देश की मीडिया और सरकारें ऐसे मूर्खों को, जमात को तैयार कर रही हैं, ऐसे लोगों को तैयार कर रही हैं जो बुद्धि से काम न लेकर के बस भीड़ की तरह भागे चले जा रहे हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि होने वाला क्या आगे, हम क्या कहना है। इन महिलाओं ने बयान तो दे दिया जो मैंने आपको सुनाए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बस बोल दिया इन्होंने। तो देखते हैं अब इनका अगला वीडियो, अभी एक दो दिन में या कल तक या सुबह तक आ सकता है, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई, इस तरह के वीडियो भी आने वाले, क्योंकि ऐसे कई कई लोगों को सबक सिखाया गया है फिर भी ऐसे ऐसे मुंह उठा के चले आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सच्चे सपूत, और इस देश का यदि असली कोई राष्ट्रभक्त था तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। सदियों में ऐसा कोई महापुरुष पैदा होता है, इस देश को, हम राष्ट्र के लोगों को धन्य अदा करना चाहिए बाबा साहब अंबेडकर का कि वो इस भारत की धरती पर पैदा हुए और हमारे लिए इतने बड़े काम किए, और ऐसे व्यक्ति ने ऐसी परिस्थितियों में रह के काम किए जिसको स्कूल के बाहर बिठाकर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसको उनका चपरासी भी, उनका अधिकारी होने, वो अधिकारी थे और उनका चपरासी उनको इसलिए पानी नहीं देता था अपने अधिकारी को कि ये अधिकारी जो महार जाति का है, ऐसी स्थिति में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काम किए। उस संविधान सभा में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी कह रहे थे हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, नेहरू कह रहे थे अनटचेबिलिटी नहीं है, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पानी का गिलास सरकाया नेहरू की तरफ कि लीजिए अगर अनटचेबिलिटी नहीं है तो आप मेरे गिलास का पानी पीजिए। तो हम, नेहरू ने, गांधी ने, जितने वल्लभ भाई पटेल थे, सब ने मना कर दिया कि हम ये झूठा पानी नहीं कैसे पी सकते महार का। तो बस यही सिद्ध हो जाता है कि जब हम तुम आपस में तीनों पी सकते हो लेकिन मेरा नहीं पी सकते, इसका मतलब है कि अनटचेबिलिटी आज भी तुम्हारे दिमागों में है। और वो जो कीड़ा जाति का था वो आज भी इन औरतों, ऐसी औरतों के दिमाग में और इस समाज के दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, बीमारी है, इलाज भी है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसका इलाज देकर गए। इसका इलाज यही है कि अब तुम इसको झेलना, कानून है, न्यायालय है, अपना काम करेगा, और तुम चप्पल घिसती रहना, तुम्हारा करियर की तुम दुहाई दोगी अब। लेकिन फिर भी ये लोग इतने इतने डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, जब डॉक्टर अंबेडकर महान है तो उनको मानने वाले भी महान है भाई, वो माफ कर देते हैं। लेकिन ये माफियों का सिलसिला अब नहीं चलेगा, अब माफ नहीं किया जाएगा। इस तरह की कोई भी अभद्र टिप्पणी होगी तो कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाओगे, मुकदमा लड़ोगे, आगे का अपना खुद देख लेना। ऐसे बकवास, ऐसे वाहियात डॉक्टर अंबेडकर पर, बेहुदा टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी अगर की जाएगी तो इसका सीधा सीधा जवाब देने के लिए ये समाज अब बहुत मजबूती के साथ तैयार हो चुका है, जागरूक हो चुका है। भले ही इसके पास तुम्हारे जैसी मूर्खता ना हो, लेकिन इसके पास डॉक्टर अंबेडकर जैसा
समझ और सूझबूझ आ रही है। तो जागते रहिए, जगाते रहिए और ऐसे मानसिकता के बीमार लोगों का इलाज करते रहिए। जय भीम।